अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने यहां तक अपना काम मुकम्मल कर लिया था और हमारा एक वेब पेज बन चुका था जिसमें हमने अपने हिसाब का टाइटल, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लिख लिया था। ये हमारा कोड है। आज हम थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। उस आगे चलने से पहले हमें एक बात बता दूँ, जब भी हम इसमें कुछ लिखते हैं तो हमें उसको सेव करना पड़ता है। जैसे मैं अगर एक और पैराग्राफ लिख रहा हूँ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, और अगर यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ तो वो पैराग्राफ मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये काम मैंने सेव ही नहीं किया। यहाँ पे मेरा डॉट बना हुआ है, यहाँ आ रहा है। इस डॉट का मतलब यही आ रहा है कि आपने अभी तक काम सेव नहीं किया। अब सेव करने के दो तरीके हैं, या तो मैं कंट्रोल एस दबा दूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ फाइल से जाके सेव कर दूँ। दोनों तरीकों से सेव हो जाएगा। और एक और इससे भी अच्छा तरीका है कि हम ऑटो सेव को सिलेक्ट कर लें। ऑटो सेव को सिलेक्ट करने से क्या होगा, जब भी हम कुछ लिखेंगे वो खुद ही बखुद ही सेव होता जाएगा। अब अगर ये देखें, यहाँ पे ये दूसरा पैराग्राफ भी आ गया। अब मैं इस पैराग्राफ को हटा देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरी फाइल साथ साथ सेव हो रही है। सॉरी। अब नेक्स्ट चलते हैं। HTML टैग्स हम पढ़े हैं और HTML हेडिंग्स हमने पढ़ ली हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे एलैबोरेट करेंगे इसको। H1 की HTML हेडिंग्स हमारे पास H1 से H6 टैग्स तक होती हैं। H1 डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। H1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है और H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अब हमारे पास हेडिंग्स फर्दर हेडिंग्स भी हो सकती हैं और उसके बाद उससे भी फर्दर हेडिंग्स हो सकती हैं, तो उसके लिए HTML ने हमें H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक का स्कोप दिया है। यानी हमें जिस साइज़ की हेडिंग चाहिए होगी हम उस साइज़ की कर सकते हैं। अब अगर हमें हेडिंग 1 से थोड़ी सी छोटी हेडिंग चाहिए तो हम उसको H2 के टैग में लिखेंगे और इसको देखते हैं रिफ्रेश करके। ये हमारे पास हेडिंग 2 आ गई, इसका साइज़ थोड़ा सा उससे छोटा हो गया। अगर हमने कहीं पर फर्दर हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देनी है, तो हम उस H2 यूज़ करेंगे और ऐसे ही ये साइज़ थोड़ा सा छोटा होता जाएगा अपने ऊपर से हेडिंग के। और हमारे पास H1 से लेके H4 तक हेडिंग्स आ जाएंगी। इन सारों को ट्राई करके देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ये होगी हमारी हेडिंग 5 और ये लास्ट हेडिंग जी हेडिंग 6। रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम। ये हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 की हेडिंग आ गई है। थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, एक और टैग देख लेते हैं, HTML लिंक्स। अच्छा, HTML लिंक्स क्या होते हैं? अगर हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना है तो हम उसके लिए HTML लिंक्स का टैग यूज़ करते हैं। अब जैसे ये एक वेबसाइट है और हम कहीं पर क्लिक कर रहे हैं और हमें वो किसी और पेज पर ले जाए, यानी ये तो एक इसका पेज है ना, ये पूरा पेज है, लेकिन हम कहीं पर क्लिक करें और वो किसी और ही पेज पे ले जाए, जैसे इस बटन पे भी क्लिक किया है, तो वो लिंक का टैग यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अब लिंक्स एक तो हमारे विद इन पेज खुल रहे हैं यानी पेज के अंदर ही, और एक हम अगर ऐसे करें ओपन लिंक इन अ न्यू टैब तो वो हमारे नए टैब में खुल जाते हैं। अब ये दोनों काम करने कैसे हैं वो देख लेते हैं, तो सब पढ़ लेते हैं पहले। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द ए टैग। इस ए टैग को कहते हैं एंकर टैग। हमारा जो लिंक का टैग है, हर चीज़ का एक टैग होगा HTML में, तो उसका टैग क्या है, ए टैग। हेडिंग के लिए जैसे H1 से H6 तक के टैग थे, पैराग्राफ के लिए P का टैग था, ऐसे ही लिंक के लिए A का टैग है। अगर हम यहाँ पे A का टैग यूज़ करें और यहाँ पे हम लिख दें हम इस वेबसाइट को गूगल के साथ लिंक करने लगे हैं, यानी कि हम इस पर जब क्लिक करें तो गूगल खुलना चाहिए। अब ये हमारे पास गूगल तो आ गया है, अब लेकिन हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब वो कुछ नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि हमने अभी पूरा काम नहीं किया। अच्छा, लिंक्स के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। काफ़ी सारे टैग्स के लिए हमें एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लिंक के लिए अभी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे आगे भी हम फर्दर टैग्स पढ़ेंगे जिसमें हमें एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पेश आएगी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इट इज़ यूज फॉर कंटेनिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हेड, अगर आपको याद हो आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा हो, तो हेड का टैग पेज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे कि ये टाइटल ऑफ पेज पेज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक टैग की या एक एलिमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है।
अब दो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन अभी यहाँ पर दो ही यूज़ होने हैं, तो हम इस वक्त दो ही पढ़ेंगे। पहला एट्रीब्यूट है HREF। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इट इज़ यूज फॉर कंटेनिंग URLs। जब हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ लिंक करना है तो जाहिर सी बात है हमें उसका URL चाहिए होगा। हर वेबसाइट का, हर चीज़ का एक URL होता है। जैसे अब हम गूगल खोलें तो ये जो बार है इसके अंदर ये सारा उसका URL शो हो रहा है। अब हमने इसका URL जो भी है वो HREF के अंदर रखना है। कैसे रखना है वो हम एडिटर में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर देखते हैं टारगेट का एट्रीब्यूट। टारगेट के एट्रीब्यूट से क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ओपनिंग लिंक इन अ न्यू टैब। जैसे अभी मैंने देखा था, दिखाया था आपको कि अगर किसी चीज़ को न्यू टैब के अंदर खोलना हो, अगर हम ऐसे क्लिक करें तो ये तो इसी पेज में खुल जाएगा ना, लेकिन अगर हम ऐसे खोलें तो वो नए टैब में जाके खुलता है। अब ये सारा कुछ कैसे करना है वो भी देख लेते हैं हम। तो हम ये ए का जो टैग है, अच्छा एट्रीब्यूट्स जो भी होते हैं हमेशा वो ये जो स्टार्टिंग टैग है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, ये जो स्टार्टिंग टैग है इसके अंदर आएंगे। ये यहाँ पे एलिमेंट के नेम के बाद सारे एट्रीब्यूट्स लिखे जाएंगे और इसके एंगल ब्रैकेट बंद होने से पहले पहले वो ख़त्म हो जाएंगे। अब पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास HREF। इसका लिखने का तरीका क्या है, एट्रीब्यूट्स का लिखने का तरीका ये है कि जो भी एट्रीब्यूट का नाम है वो लिख देना है, उसके बाद इज इक्वल का साइन, और उसके बाद डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन भी आ सकती है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है आप डबल कोटेशन लिखें। अब डबल कोटेशन के अंदर हमने वैल्यू देनी है, ये की वैल्यू पेयर के अंदर आते हैं, ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू होगी जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। अब हमने अभी पढ़ा है कि HREF के अंदर URLs को रखते हैं हम किसी भी वेबसाइट के साथ लिंक करने के लिए। अब अगर हमने गूगल पे जाना है तो हमें उसका URL यहाँ से मिल जाएगा। इसको हम कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, या इस पर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम इस डबल कोटेशन के सेंटर में हमने अपनी वैल्यू देनी है URL की, वो हम कंट्रोल वी से भी दे सकते हैं और राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हमने अपनी वैल्यू दे दी, अब हम चलते हैं पेज पे। ये गूगल बंद करते थे हम, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये अंडरलाइन हो गया। लिंक्स बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन होते हैं ताकि पता चले बाकी सारी टैग से मुख्तलिफ लगें कि ये एक लिंक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे होवर, मैंने इसको किया इसके ऊपर सिर्फ माउस लेके गया, अभी क्लिक नहीं किया, तो नीचे हमें अपना URL नज़र आ रहा है जो भी हमने उसको URL दिया था। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा गूगल खुल गया उसी पेज में। अभी एक चीज़ रह गई कि हमने अपना न्यू पेज में खोलना है ये लिंक, उसके लिए हमने पढ़ा है टारगेट का एट्रीब्यूट। टारगेट का एट्रीब्यूट में क्या करना है जी, टारगेट लिख देना, उसके बाद इज इक्वल टू जैसे पहले बताया था, उसके बाद कोटेशंस, और उसकी वैल्यू लिखनी है ब्लैंक। ये वैल्यू प्री डिफाइंड है, जैसे टारगेट का वर्ड प्री डिफाइंड है पहले से बना हुआ है, ऐसे ब्लैंक भी प्री डिफाइंड बना हुआ है। कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डायनामिक होती है, जैसे ये URL हमने अपनी मर्ज़ी से लिखना है जो भी वेबसाइट हमें चाहिए, और कुछ की उन्होंने पहले से बताई होती है, दो कुछ एक से ज़्यादा भी होती हैं वैल्यूज़, उसमें से हमें जो चाहिए होती है डिज़ायर्ड होती है हम वो यूज़ कर लेते हैं। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक हम यूज़ करेंगे जब, और फिर रिफ्रेश करने के बाद गूगल पे क्लिक करेंगे तो वो एक नए टैब में ओपन हो जाएगा जो कि हम चाहते थे। तो आज हमने इतना ही पढ़ना था, हेडिंग्स के 6 स्कोप पढ़े हैं हमने, एक लिंक का टैग पढ़ा है और उसको न्यू टैब में खोलने का पढ़ा है। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।